सर एलसीएम ना, सर एक बार लिखने से पहले एक बार सर बता दो ना सर सिर्फ टू क्वेश्चंस के आर लिए। रूट थ्री का एलसीएम क्या होगा? सर मैंने भेजा हाँ भाई सुन लिया आपने, भेजा है सर, कैन ठीक यू रिपीट? है। टू कॉमा रूट थ्री का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन था। सर डिड यू गेट माय आंसर? करेक्ट है क्या सर? एक मिनट, नहीं आर्यन नहीं सही है, तनिष सही है, लेकिन यस एक मिनट, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन मैं पूछूंगा क्यों होगा, ठीक है। कैमरा ऑन करके बताना। शर्वरी नहीं, सोमा नहीं, हाँ आप कैमरा ऑन करके जरा बताएंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि सही है, जस्ट रीजन बताओ। सर, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द एलसीएम ऑफ अ रूट नंबर विथ अ नंबर। सर 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 मतलब लाइक जो नंबर मैं रूट बताऊं में सर, है। अभी सर सर उत्तर हाँ सर, यू चलिए, कैन नॉट रियली फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स लाइक वाई 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 सर, वाई दोनों सर जस्ट इरेशनल नंबर है सर। सर बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल लॉ व्हाट इज द लॉ, मैथमेटिकल लॉ, व्हिच लॉ यू सर, वांट, वो व्हिच लॉ यू नो, कैन यू सर टेल मी। हाँ आर एन जस्ट वन मिनट, तनिष्क लॉ। तनिष लॉ सर नॉट डिफाइंड, तनिष देयर इज नो सच लॉ। सर आर्यन बोलो दोनों सर इरेशनल सर, नंबर सर। दोनों इरेशनल नहीं है, टू मिड इज का नॉट प्राइस। इरेशनल, वन इज सॉरी इरेशनल। रूट थ्री सर इरेशनल है। ओके ओके, टू सम एक्सटेंट आर्यन करेक्ट है, और सर इट सर इज अ ये नॉन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग का नॉन सर। रिकरिंग नंबर। तो मुझे पता था कि इसमें बहुत लोग झट से क्या करेंगे, टू रूट थ्री बोल देंगे एलसीएम। तो हमेशा ध्यान में सर रखिए कि एलसीएम रैशनल और इरेशनल का एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल हाँ राइट। सर, क्योंकि अगर और रूट दो थ्री इरेशनल का भी पर नहीं मैं करता। वही तो बोल रहा था सर। हाँ लेकिन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है वो समझ में आपको आता है क्या, क्यों नहीं होता है, मैं वो पूछ। सर क्योंकि सर ये इरेशनल मीटिंग नंबर है रह सर, पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर हो ही नहीं सकता सर, बिकॉज सर, पर इरेशनल ऐसा नंबर्स कैसे आर हो नॉन सकता है टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स सर, क्योंकि ये नहीं। रूट थ्री सर परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं। आप ऐसे सोचो, मैं बता रहा हूं कि ना ये जो है ना एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से सुन यस सर। रहे, आप लोग समझ रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब एलसीएम निकालते हैं, जैसे मान लो टू और सिक्स का एलसीएम निकाला तो सिक्स हो रहा है राइट, यस सर। तो टू थ्री जा सिक्स होता है और सिक्स वन जा सिक्स आता है, जो मल्टीप्लाई करने पे कुछ तो इंटीजर आ रहा है, हाँ मतलब सर, हाँ सिक्स सर, बाई पर हम ऐसे टू। लिखते सर रूट थ्री पर, एक्चुअली सर ऐसे रूट थ्री ऐसा नहीं लिखते सर, वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना सर। हाँ तो अगर अगर टू कॉमा रूट थ्री है राइट, अगर आपने गलती से बोल भी दिया कि टू रूट थ्री है, तो हम टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट, तो टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तब टू रूट थ्री होगा। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली अगर बोलो तो हम ये मल्टीपल इसको नहीं बोलेंगे, और जो नील जैसे बोल रहे हैं वो भी सही है राइट। सर तो इंटीजर में आएगा ही नहीं सर। इंटीजर में नहीं आएगा, तो ध्यान में हमेशा रखें किसी भी रैशनल और इरेशनल का अगर रहे उसका एलसीएम तो एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन नहीं करता। पर सर वो मतलब इंटीजर वो में नहीं आएगा करेक्ट सर, है, पर फिर भी ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि टू रूट थ्री सर, टू रूट थ्री का ही है उसका सर प्रोडक्ट प्लस। होगा एलसीएम का भी, मतलब आइडियली वो पर हम मुझे समझा सॉल्व नहीं सर, ऐसा एलसीएम क्यों नहीं सॉल्व होगा? करने के लिए, मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ठीक है, लेकिन वो सर मतलब ऐसे डिफाइन नहीं थियोरेटिकली लिख सकते सर, पर उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। है राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी बात है, एक मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ए एक रैशनल नंबर है ठीक है, ध्यान से देखना, बी जो है एक इरेशनल है बराबर, ठीक है समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ए जो है एक रैशनल है, बी जो है एक मान लो क्या है इरेशनल है, तो अब जस्ट मैं एलसीएम ऑफ मान लो ए कॉमा बी, मान लो थोड़ी देर के लिए जो एलसीएम है वो एल है ठीक है, यस सर नो। यस सर। तो कुछ भी एलसीएम होता है, आई थिंक ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं आसान, तो एलसीएम होता है तो मल्टीपल है, मतलब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने को उतना आ जाना चाहिए। तो जैसे टू और सिक्स है तो एलसीएम लिखते हैं, तो टू थ्री जा सिक्स होता है, थ्री जा इंटीजर है, सिक्स वन जा सिक्स वन इंटीजर है, तो
इसका एलसीएम पॉसिबल है। टू रूट थ्री में आप बताइए, टू में रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तब तो टू रूट थ्री होगा ना, तो उसको मल्टीपल नहीं बोलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी एलसीएम लो, जैसे मान लो नाइन और ट्वेल्व का तुम एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 108। तो 9 × 12 करते हो तो 108 आता है, 12 9 करते हो तो 108 आता है। तो वो इन दी मल्टीपल होनी चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कि उस टेबल में आए, मतलब इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। तो व्हेन यू सी, अगर कोई भी फ्रैक्शन के अंदर सर अगर मल्टीपल सर यूज किया सर, तो सर जो भी एंड रिजल्ट आता है सर वो सिंपलीफाई किया ना सर तो सेम ही आएगा सर। क्या क्या फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, टू रूट थ्री के बारे में बात नहीं सर, कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर यूज किया तो। हाँ, तो कहाँ करोगे आप? देखो ना, ये जैसे टू कमा रूट थ्री है, टू रूट थ्री है, तो टू इंटू रूट थ्री तो इंटीजर थोड़ी है, इंटीजर होनी चाहिए, मैं आ रही हूँ बोल रहा हूँ सर। और फिर सर रूट थ्री सर रैशनल ही नहीं, मतलब इरैशनल है सर। हाँ मल्टीपल भी किया ना सर तब ये चलता सर। हाँ, 36 है, लेट से कि 36 नहीं, एलसीएम एक्चुअली 36 होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ सर, हम लोग सर कॉमन मल्टीपल। तो मैंने जल्दी जल्दी में 108 लिखा, बट यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। हाँ सर, क्योंकि एंडिंग के अंदर ना सर वो सिंपलीफाई हो जाता है, सिंपलीफाई हो जाता है। बट एक्चुअली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने 8th में भी ये पॉइंट मार्क आउट किया था बच्चों, बहुत सारे बच्चों पे एलसीएम 36 ही होगा जो लोवेस्ट होता है, अदरवाइज सिर्फ कॉमन मल्टीपल देने की जरूरत होती है तो ढेर सारे एलसीएम होते। तो 9 और 12 प्राइम नंबर्स होंगे ना सर, तो और मल्टीप्लाई करना राइट। तो 9 और 12 का एलसीएम 36 होगा। 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, तो ये इंटीजर है। सुमन समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर मतलब इसका मीनिंग ये है कि एलसीएम इज द नंबर, मतलब दोनों से, दोनों नंबर से एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। हाँ सर, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, एलसीएम। यस ओके सर, समझा। Understood everyone? संस्कृति समझ में आया? Yes sir, क्या? Okay. तनिष्क, तनिष्क तो बोलेंगे सर मुझे तो आता ही था, तो आंसर दे दिया। सर समझे। ईशान, आदित्य, अमोल, आर्यन, सिद्धार्थ, श्रुति, शर्वरी। सर मेरा आंसर सर करेक्ट था ना सर? मैं राशल बोला। हाँ, आपने बाद में दिया था ना, not does not exist, right? Yes sir. बराबर है, तो एक सोचा कि एक ऐसी एक बीच में गुगली डालता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर ये गुगली नहीं थी, आपने कहीं से पढ़ लिया था लेकिन रीजन आपको नहीं पता था। हाँ सर, अगर उसने पढ़ाने होता तो किसी को भी नहीं आता सर ऐसे। आपने नहीं, उनका रीजन नहीं पता था, उसलिए मैंने बोला ना लॉजिक बता दो, लॉजिक उनको नहीं पता। हाफ नॉलेज था सर। सर मैं बोला कि यू कैन नॉट फाइंड द एलसीएम ऑफ अ रैशनल एंड, नो दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना, वो तो सबको पता है। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल सकते, तो आपने अगर ये मुझे बोला होगा ना तनिष्क, सर वो इंटीग्रल मल्टीपल या रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए, तो ठीक कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता, बट कोई बात नहीं। बट स्टिल यू ट्राइड, आई विल अप्रिशिएट। अरे चॉकलेट नहीं, पूरा एकदम मस्त वाला क्वेश्चन देता हूँ। ये जिन्होंने पहले से सॉल्व किया हुआ रहेगा या कभी मैंने दिया हुआ रहेगा तब तो सॉल्व हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे जो सॉल्व करेंगे उनको मजा आएगा, सॉल्व नहीं भी हुआ ना। लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ सर, हाँ अच्छा, प्रोबेबिलिटी का ये इससे अच्छा 9th लेवल पे और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का आप लोग के लेवल पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, हमारा लेक्चर मंडे को होता है ना, चलो हम एक एक्स्ट्रा लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज in a leap year, in a leap year, in one leap year na sir? Ha, right, in a leap year. Find the probability of getting 53 Mondays in a leap year. Chat box na answer dena hai, ghabrana nahi hai bilkul. Pehle to na leap
लीप ईयर में ना 366 डेज होते हैं। नहीं तो नहीं फिर... एक बार चेक कीजिए ना, सुनो सुनो हाँ बताओ। 366 डेज में 52 वीक्स और 2 डेज होते हैं, इतना तो मुझे लर्न है। बराबर है सर, 52 वीक्स और 1 डे होता है नॉर्मल ईयर में, तो फिर 2 डेज हो गए ना लीप ईयर में, एक्स्ट्रा 2 डेज होंगे। हाँ सर, तो फिर 52 वीक, 52 वीक में ना 52 संडे हो गए, मंडे हो गए। बराबर। और फिर लास्ट के 2 दिनों में ना 6 पॉसिबिलिटीज है, मंडे ट्यूसडे, मंडे मंडे ट्यूसडे, मंडे सॉरी मंडे ट्यूसडे होगा सर। क्या मैं बताओ क्या? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, उनमें से मंडे सर 2 बार आ रहा है। हाँ सर, मंडे 2 बार आ रहा है। हाँ सर, वो सर मुझे नहीं समझा सर। मैंने समझाया नहीं, अब मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने ऑफिसर ऐड कर दिया सर मेरे नाम। अरे सब लोग जिनसे सॉल्व हुआ, जिनकी इच्छा है वो भी ऐड कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर बराबर सर, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें 2 बार मंडे आ गए, मंडे और मंडे ट्यूसडे। Find the probability of getting 53 Monday in a leap year. तो मेरे दोस्त, ordinary year में कितने week होते हैं पहले बताओ? 52 weeks. 52 weeks one day. One day. 52 weeks ही होते हैं actually देखो तो। अगर number of week पूछा जाए। सर वो मैंने वैसे नहीं रखा है। 53 Mondays होना चाहिए या फिर 53rd Monday होना चाहिए? नहीं नहीं 53 Monday। अरे 53 ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं, ये इस बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक दिन जो एक्स्ट्रा जो बचेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो बचेगा वो वीक नहीं होगा, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं, इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? यस सर, नहीं समझ गया। ओके okay. नो सर, नो डाउट। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज ऑर्डिनरी ईयर में कितने हो गए फिर? वैसे तो 365 डेज होता है ना, तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 364 डेज होगा। हाँ सही है सर, लेकिन अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, पूरा ध्यान से सुनिएगा। लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं दोस्त? 366 सर। बहुत ही बढ़िया। अब जो 2 दिन होगा वो लीप ईयर वाले में जाएगा ना, एक्स्ट्रा 1 वीक में जाएगा, तो 366 डेज। तो हमको तो इतना तो श्योर है, 100% है कि 52 वीक्स में 52 मंडे आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ? नो सर। बाकी जो एक मंडे और चाहिए अपने को, तो एक जो मंडे होगा वो बाकी के जो रिमेनिंग 2 डेज है उसी में से हो सकता है, हाँ या ना? ये 364 डेज का तो हिसाब हमने बराबर कर दिया, मतलब 52 वीक्स का, पूरे कंप्लीट 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स में 52 मंडे आएंगे, नहीं? यस सर। ओके, बाकी जो 2 जो रिमेनिंग जो डेज है, अच्छा एक मिनट, जो बाकी जो रिमेनिंग जो 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, तो देखो 7 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। संडे मंडे, मंडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे। सर पर लास्ट दिन क्या है सर? मैं बता रहा हूँ, मतलब सर 366 डे सर, थर्सडे फ्राइडे, एक मिनट एक मिनट, फिर फ्राइडे, सैटरडे, फिर सैटरडे, संडे, यही पॉसिबिलिटी होगा ना, हाँ या ना? हाँ सर, इनों में से कौन से तो एक पॉसिबिलिटी। अब मुझे सर दोनों में सर 2 आ रहा है, ये सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5। फिर अगर आपने वो ईयर स्पेसिफाई किया होता तो डायरेक्टली आता। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7। नंबर ऑफ इवेंट मतलब फेवरेबल इवेंट जो है यहाँ पे मंडे सर, मुझे नहीं समझ आ रहा सर।
क्या नहीं आया नहीं बताओगे सर? पर 364th डे मंडे है क्या सर या संडे? आप कुछ भी हो गए सो वो उससे हम कुछ कर उससे कुछ मतलब नहीं है। 364 डेज अगर मान लो संडे भी होता तो फिर कहां से चालू होता? मंडे ट्यूसडे होता। हाँ सर। तो अगर तो कैसे भी स्टार्ट करो आंसर वही आने वाला है। अगर मान लो सैटरडे अगर होता है तो फिर संडे मंडे से चालू करेंगे नेक्स्ट टू डेज मंडे ट्यूसडे तो आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है क्या? हमने जो संडे से चालू किया इसका मतलब जो 364th डे होगा वो सैटरडे रहा होगा। यस सर। ठीक है, आप मंडे से भी चालू कर सकते हो सर। मतलब दो फेवरेबल आउटकम्स है ना सर। तो मंडे चाहिए तो एक तो यहीं पे मंडे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है तो फेवरेबल जो आउटकम से दो है तो प्रोबेबिलिटी सर अभी समझ गया सर। ये जो हो गया नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ सैंपल इज 2/7 हो गया। ये हो गया आंसर। हाँ सर वो 52 तो श्योर इवेंट है 52 मंडे आएंगे। राइट ठीक है समझ में आएगा। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। सर हाँ आप सर ईयर इसके अंदर सर अगर स्पेसिफाई कर देते सर तो सर 1/7 हो जाता ना। हाँ अगर आप इसके अंदर सर अगर आप ईयर स्पेसिफाई कर देते सर कौन सा लीप ईयर है सर तो सर ये 1/7 हो जाता ना। 1/7 क्या हो जाता ईयर अगर मतलब मुझे समझा नहीं। अच्छा ये तो अगर आपने स्पेसिफिक ईयर अगर स्पेसिफाई कर दिया सर। अच्छा स्पेसिफिक पेयर ओके स्पेसिफिक ईयर ईयर ओके ओके स्पेसिफिक ईयर। हाँ तो फिर भी वहां पे पता हमको करना रहता है कि कौन सा अगर वो देखना पड़ता है कि एक्चुअली सर ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट के दो दिन वेनसडे और थर्सडे हो मंडे हो ही नहीं तो सर आप मीटिंग वापस से लॉक कर सकते हो। यस नहीं सर ऐसा है सर कि आपने स्पेसिफिक लीप ईयर ये किया और फिर सर उसके अंदर सर मंडे आना ही है सर वो लास्ट टू डेज के अंदर सर तो फिर सर 1 हो जाएगा ना 1/7। हाँ फिर हो जाएगा करेक्ट। और सर मतलब ऑर्डिनरी ईयर में सर 52 वीक्स और 1 डे होता है ना सर ऑर्डिनरी डे ऑर्डिनरी ईयर में। हाँ सर ऑर्डिनरी ईयर में राइट राइट। तो सर अगर ऑर्डिनरी ईयर का निकालना होगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 तो वो भी 1/7 होगा ना। वैसे देखो क्वेश्चंस वहां पे इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको ताकि आप फ्रेम करो क्वेश्चन। अगर ऐसा 53 मंडे कोई जरूरी नहीं कि आए रहेंगे उसमें और कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए कुछ और चीज भी ऐड किया जाएगा। नहीं सर वैसे क्वेश्चन सर अगर सेमी क्वेश्चन होता सर और ना सर ऑर्डिनरी ईयर होता सर तो 1/7 है ना सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हां करेक्ट तो 52 में तो 52 होता है ना एक में क्या रहेगा 1/7 होगा। परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट ओके सर समझ में आया मतलब। यस सर और किसी को कुछ पूछना है? Is there any doubt up to here? No sir. Sir, अभी तो sir suspense sir reveal कर दीजिए sir कौन सा chapter है next? और एक question probability मुझे रहा नहीं जाए थोड़ा चाहता हूँ और थोड़ा ध्यान आप जाए। Okay sir. और एक question थोड़ा नहीं चाहिए अगर नहीं चाहिए तो बोल दो नहीं चाहिए फिर मैं start कर देती हूँ। नहीं नहीं sir ऐसा दीजिए sir difficult दीजिए। अच्छा चलो sir क्या sir एक और क्या सर ये बता दीजिए सर कि ज्योमेट्री का या फिर अलजेब्रा का सर। देखो अब जो बच गया रहेगा उसी में सारे ना अपने को करना पड़ेगा है ना तो मोस्टली सर लाइंस और एंगल्स नहीं तो ट्रायंगल्स ले लो। पहले तो हम यूक्लिड बाबा को खत्म करेंगे वो 10-20 मिनट में उसमें कुछ है नहीं क्या तो सर यूक्लिड्स बाबा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बाकी इसमें अगर देखो तो सारे फर्स्ट पार्ट में अगर देखो बुक लेवल में तो सारे ज्योमेट्री ही बचे ठीक है और सेकेंड पार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी सर्कल बचा है और जो नाइन्थ में जो मेन चैप्टर से सर सर्कल ले लो ना सर अरे चलेगा मैं ले सकता हूँ ओके सर सर्कल। हाँ सर वो लाइंस एंड एंगल्स नहीं तो यूक्लिड वाला तो इजी है। ओके उसके पहले ये ओपी क्वेश्चन देखो। हाँ सर सर मेरा नाम क्या ऊपर सर ओपी आ गया आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ओके आप लोग हटा सकते हैं अभी फिर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा तो नहीं आई एम जस्ट किडिंग। लिखो 5 कॉइंस आर टॉस्ड 5 सिक्कों को टॉस किए उछाला गया
five coins are tossed at a time. Then five coins are tossed at a time. Then find the probability of. Then find the probability of at least one tail. At least one tail. बताइए जरा यहाँ पे. हाँ अभी करो. हाँ सर. सर तो यहाँ पे हमें गिवन है कि five coins are tossed at a time. सर तो एक कॉइन का दो ही आउटकम हो सकता है, आइदर हेड्स और टेल्स. सर तो पांच कॉइन्स जब टॉस करेंगे सर तो उसका पांच ही कॉइन्स का दो ही आउटकम हो सकता है सर. सर तो इसीलिए हम टू रेस टू द पावर फाइव करेंगे. मतलब आप हर कॉइन का टू 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 होगा. हाँ, तो हाँ, मैंने बताया था लास्ट हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, टू टू द पावर एन हो जाएगा. जितना नंबर ऑफ कॉइन होता है टू का पावर एन हो जाता है. तो हाँ सर, एन ऑफ एस टू द पावर क्यू. एन ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस कितना है. टू सैंपल स्पेस है तो उसका पावर क्यू मतलब फाइव. ओके ओके अमो कंटिन्यू. हाँ सर, मतलब टू रेस टू द पावर फाइव मतलब 32 होता है सर. सर तो इसमें 32 आउटकम्स में से सर हम जब फाइव हमें एक ही टेल चाहिए सर. सर कम से कम एक चाहिए मैक्सिमम. हाँ, मिनिमम एक टेल तो हमें मिल जाएगा सर. एक ही प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे एक भी टेल नहीं आएगा अगर सारे हेड से पाची के पाची हेड से सर. तो इसीलिए मतलब मैंने तो 32 माइनस 1 कर दिया सर. हाँ सर, 32 माइनस 1 होगा. बहुत ही बढ़िया सर. क्योंकि एक ही ऐसा केस है जहाँ नो टेल है. हाँ मतलब एक ही ऐसा केस उसमें होगा जहाँ पे नो टेल है. तो उस चीज में क्या सारे हेड्स आने पड़ेंगे. हाँ मतलब 31 आ जाएगा. तो 31 में 32 आ जाएगा आंसर. वेरी गुड. तो आइए मैं इसको एक बार समझा देता हूँ. सर आपने वो पावर क्यों लिया सर, वो नहीं समझा सर. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देखो जैसे एक क्वाइन है, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर. यस सर. अगर दो कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड हेड आए, हेड हेड दोनों सिक्के में हेड हेड, या हो सकता है हेड टेल आए, या फिर टेल हेड आए, या दोनों में टेल टेल आए. समझ में आ रहा है. यस सर. इसमें चार हो गया. तो इस तरीके से मैंने एक पैटर्न फाइंड आउट करके बताया था कि अगर एन नंबर ऑफ कॉइन है सर तो वो टू रेस टू एन हो जाता है. जैसे सर, पर दो ही कॉइन है ना सर. यहाँ पे पांच है ना दोस्त. क्वेश्चन नहीं सर, आपने दो कॉइन लिखा है ना सर. कहाँ सर, वन कॉइन के नीचे सर टू कॉइन्स लिखा है ना सर. नहीं नहीं, तो इसमें तो चार ही होगा ना. वही तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना. ये वो सर. हाँ हाँ सर, समझ गया. टू का पावर टू चार आ गया, तो फाइव है तो टू रेस टू फाइव 32 हो जाएगा. ये लास्ट लेक्चर में बताया था, याद आ रहा है क्या. हाँ सर. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, देखो कितना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. कितना सोचो क्या हो जाएगा अगर ये याद रहा ना कॉन्सेप्ट दसवीं तक. सोचो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32. अब लास्ट वाला जो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल. अब 32 सैंपल स्पेस होगा, ध्यान देना. कैसे होगा मैं आपको फिल भी करवाता हूँ. जैसे पांच सिक्के हैं तो हो सकता है हेड 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 आ जाए, फिर हेड 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 टेल आ जाएगा. अब ऐसे करते करते इसमें एक ही केस होगा जो एटलीस्ट वन टेल है. तो एक केस ऐसा होगा कि जिसमें टेल नहीं आ रहा है. सॉरी मतलब एक केस ऐसा होगा जिसमें टेल नहीं मतलब एक ही केस होगा ना जिसमें टेल नहीं. जब हाँ मतलब जब पांचों जब हेड आ जाए उसी समय एक टेल नहीं होगा, बाकी हर केस में 31 केसेस में टेल होगा ना. हाँ या ना बताओ. हेलो 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 बताइए सर जी क्या होगा. क्या 31 केस पर. तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स होगा वो 31 होगा. और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 31/32. और एक तरीका, कभी कभी वो परमुटेशन कम्युनिटी जब आगे में पढ़ाऊंगा वहां पे इसका मैं यूज करूंगा. कहीं भी एटलीस्ट दुनिया में आ जाए, कहीं भी ना. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या. yes,
एटलीस्ट कहीं भी आपको लाइफ में, खासकर मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट का कभी भी आ जाए ना नाम, तो ये ध्यान में रखो टोटल माइनस नन याद करो, फॉर्मूला होता है एटलीस्ट इक्वल टू टोटल माइनस नन, ये अल्टरनेट सॉल्यूशन में बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हम ऐसे करते हैं ना, कितना सोपा है, अगर सारे में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर इसकी, 1/32 होगा क्या, ये बताओ। अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये 1/32 होगा क्या, हाँ या ना, सारे में हेड आ जाए वो 1/32 होगा या नहीं, ये बताओ। होगा सर। अब इसी का तो उल्टा पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, तो 1 - 1/32 कर दें, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 और नन मतलब क्या, एक भी टेल ना आए, तो एक भी टेल ना आए प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जितना पॉसिबल है सारा टेल आए, तो 1 - 1/32 31/32 तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो एटलीस्ट कहीं भी आ जाए टोटल माइनस नन, अब यहां पे पूछा जा रहा है एटलीस्ट 1 टेल, तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, नन मतलब क्या, एक भी टेल ना आए, तो एक भी टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/32। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये हेड 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 पांचों में अगर आ गया तो 1/32 माइनस कर दो, 31/32 सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए किसी को कुछ यहाँ पे डाउट है। हेलो हेलो सर, अगर ना वो पूछते कि ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गेटिंग टू टेल, तो फिर हम नन मतलब किसी में भी टू टेल आना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर 6 हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे अलग अलग, हाँ क्योंकि 5 इसमें टेल हो गए और 1 इसमें टेल ही नहीं होगा, बराबर करेक्ट, तो फिर 1 - 6/32। सारे स्टूडेंट को समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आर्यन समझा क्या? हाँ सर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन चलेगा क्या? हाँ सर, बहुत क्वेश्चन, ठीक है, वन मोर, सब लोग हाँ बोलोगे तो ही दूंगा, नहीं तो भी न्यू चैप्टर चालू करूंगा, ये बताओ चलेगा क्या? किसी की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. पता नहीं आज कुछ तो हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर समझ में आ गया सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, देखिए उमा है, प्रोबेबिलिटी का सर अंतिम संस्कार यहाँ पे, हाँ अंतिम संस्कार नहीं, 12वीं के बाद आईटी का जब तक एग्जाम नहीं दे देते। अरे अगले साल। अरे यार, उमा है 3 children, उमा हैज 3 children, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आसान है लेकिन जल्दी जल्दी में गलती नहीं करूंगा, उमा हैज 3 children, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 3 children इज अ गर्ल। सर नन ऑफ द 3 children दैट नन ऑफ द सर्वाइव क्या 3 children इज अ गर्ल। भाई नील थोड़ा जान छील ले थोड़ा, नील क्यों मार रहा है नील डायरेक्ट तनिष को तो बड़ी हंसी आ रही है सर, नहीं मुझे वही सुनाई दिया सर, मैंने कह रहे नील क्या थॉट आर्यन आर्यन नहीं 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 यार
सर एक ही तो कॉम्बिनेशन हो सकता है सर, वही तो बात है दोस्त। क्या ओपी क्वेश्चन है यार शर्वरी, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, वेरी गुड, क्या दिमाग लगाया तुमने शर्वरी, बहुत ही बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। सर थर्ड चिल्ड्रन, सर थ्री चिल्ड्रन मतलब अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि उमा एक माताजी रहती है, उनके तीन बच्चे रहते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो तीनों बच्चे हैं ना तीनों में से कोई भी गर्ल नहीं है? ओके सर, ये ना मतलब आरएनजी, देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन ओपी है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्या मजेदार क्वेश्चन, जिससे सॉल्व हुआ रहेगा ना देखो कितना अच्छा लगता होगा। नहीं तनिष्क, नहीं अमोक, नहीं सुमन, नहीं तनिष, सोमन अभी सही है यार, फाइनली यू गॉट द आंसर। अरे सर फिर से मैंने उल्टा भेज दिया आपको। संस्कृति, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जो लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना सच में मतलब, तो सर मैं निकाल लेता हूँ मेरा ओपी का। अरे नहीं नहीं रहने दो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। अमोल क्या बात है, आपने सॉल्व किया सर, ये भी हेड टेल जैसा ही है सर। हाँ लेकिन वो जस्ट न्यू कर दिया, यहाँ पे हेड टेल फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि नहीं सर वो मैंने उसी फॉर्मूले से कर दिया। पर बच्चों को टॉस कैसे कर सकते सर? नहीं नहीं वो समझ नहीं, बॉय गर्ल कॉम्बिनेशन, सिर पे गिरा तो हेड, पैर पे गिरा तो टेल, नहीं 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 हम बॉय बॉय को समझो, एच हेड आ गया, गर्ल रहे तो टेल आ गया, सिंपल वो कॉम्बिनेशन। इतने जल्दी कैसे जज कर सकते सर? 3/4। नहीं तनिष, चलो मैं सॉल्व करता हूँ ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है सर। नहीं सर, सर रुको, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है सर, वो सेम पिछले जैसा ही था सर। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है मैं देख रहा हूँ ठीक है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी, नहीं आप लोग एस्ट्रोलॉजी वाली मेथड बहुत अच्छी थी सर, आपने अभी बताया ना उससे किया, हम लोग प्रोबेबिलिटी की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो तो नंबर ऑफ जो सैंपल एस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, देखो तीन बच्चे हैं तो या तो हो सकता है तीनों बॉय 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 हो सकता है, बॉय बॉय गर्ल्स हो सकता है, बॉय गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय बॉय हो सकता है, गर्ल 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 हो सकता है, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकता है, बॉय गर्ल गर्ल हो सकता है। सीधा 2:3 कर दीजिए ना, नहीं वो फील करवा रहा हूँ ना, वो तो पता है, मैंने ही बताया बट ये थोड़ा दिखता है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8। और अगर रंजन सर का ट्रिक अगर याद रहा होगा तो मैंने बताया था ये टॉस हेड और टॉस की ही तरह, सॉरी हेड और टेल की ही तरह, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल तीन चिल्ड्रेन है तो उसके पॉसिबिलिटी कितने हो जाएंगे, 8 मतलब टोटल जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 2 सर, नहीं नो गर्ल की ना, नहीं नहीं वो अभी नो गर्ल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अभी, तो दैट विल बी 2^3 8। अब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी तीनों में से कोई भी जो बच्चे हैं चिल्ड्रेन मतलब जो किड है एक भी गर्ल नहीं है, तो एक ही केस इसमें है तीनों बेचारे बॉय 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 है ना, तो एक ही केस होगा ना जिसमें कोई भी गर्ल नहीं है। यस सर, 1/8 बस यही था आप लोगों का आंसर। हाँ सर, सर मतलब फॉर्मूला ये है ना सर कि टू और मतलब जितने सर मतलब सर क्या दूसरा ये भी सर, दूसरा आउटकम से दूसरा मतलब जितने आउटकम से सर उसका पावर रखना है सर, राइट टोटल। अब यहाँ पे और एक और सर नंबर टू ही रखना है ना सर हर बार, मतलब अब टू मतलब ये जैसे आ गया आपका ये हेड और टेल के लिए,
सर सिद्धार्थ बोल रहे हैं सर जी जी भी नहीं नहीं वो सेम नहीं है दोस्त, वो सेम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि सर ये सब तो सेम है नहीं, बट ये है ना पहला जो चाइल्ड है वो गर्ल होता है ना, वो डिफरेंस है गर्ल बॉय गर्ल्स। और यहाँ पे तो यार सर क्या एक साथ तो नहीं होने वाले ना सर, अलग अलग टाइम पे गर्ल गर्ल जो है फर्स्ट जो चाइल्ड है वो गर्ल है, सेकेंड चाइल्ड बॉय है, इसमें फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है सेकेंड चाइल्ड गर्ल है, सो बोथ आर डिफरेंट। सर इनमें से कौन सा एक ही केस हो सकता है? ओके सो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का समापन समारोह करते हैं। हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, समापन समारोह। सर मुझे ना हंसी आ रही है सर, वो तनिष ने बोला ना सिर पे गिरा तो हेड और मुंह पे गिरा तो टेल, सिर पे गिरा तो हेड पैर पे गिरा तो टेल। स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी आधे घंटे में खत्म कर दो। हाँ वही मैं एक चैप्टर हो जाएगा। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? बिकॉज आधे घंटे में हाँ सर, हाँ सर। और सर्कल में बहुत सारे प्रूफ भी देने होते हैं तो उसमें होगा नहीं। तो इज दिस ओके इफ यूक्लिड ज्योमेट्री चालू कर देता हूं, फिनिश भी कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, सर्कल ओपी हो जाएगा। चलो सर तो क्वेश्चंस भी लेंगे ना हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में, उसमें अरे उसमें सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे डियर सारे, उसमें कोई भी दिमाग लगाने वाला नहीं है क्या? दिमाग उसमें नहीं है पॉइंट, मतलब सारे मतलब एक तरीके से पोस्टुलेट्स टाइप है। ओके सर वाक्य चलेगा क्या सबको? चलेगा सर। कौन सा चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वो छोटा सा चैप्टर है, उसको सोचने खत्म करने के लिए। चलेगा सर हमें चलेगा। ये कौन सा किधर का ये है एसेंट है भाई? आर्यन ने इन्वेंट किया। चलेगा सर हमें चलेगा। सर है ना सर भले ही सर इसे ना नॉलेज में बहुत पता है पर सर वो ना टू या छोटा इसीलिए मैच्योर थोड़ा है सर। हाँ सर वो तो है सर, मैं सर बच्चा है सर हमारे बैच में एक। ओके 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 सो लिखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड भाई साहब जिंदाबाद सर। वो यूक्लिड का फुल नाम क्या था और उसके मम्मी ने उसका इतना वियर्ड नाम क्यों रखा? वो तो आप ही को पूछना पड़ेगा भाई। He is not an Indian. Euclid. सर स्पेलिंग क्या है सर यूक्लिड की? ये लिख दिया इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड चला। अच्छा UCLID। सर इसका चेहरा बहुत कॉमेडी है यूक्लिड का। आपसे भी ज्यादा उन्होंने जो दिया है उसका जस्ट एक इंट्रो है, उनकी एक पूरी एक बुक ही है इसमें यूक्लिड साहब की, ठीक है। सो ज्योमेट्री ठीक है, तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जियो मतलब क्या होता है? जियो जैसे जियोग्राफी होता है, अर्थ होता है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट मेट्रिक वहां से आया। ओके सर ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। तो उन्होंने एक्चुअली यूक्लिड साहब की एक हिस्ट्री है कि वो इजिप्ट के रहने वाले थे, ठीक है, वो एक टीचर थे मैथमेटिक्स के और काफी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने दिया मैथ्स में, और बहुत लोग उनका नाम लेता है, हम भी लेते हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, और क्या कंट्रीब्यूशन दिया है आप सोच भी नहीं सकते हैं। सर आपने क्या बोला सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने ये बोला यूक्लिड साहब के बारे में बता रहा था कि जो यूक्लिड सर थे वो एक्चुअली इजिप्ट में एक अलेक्जेंड्रा जगह है वहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर थे, ठीक है, और उनका शौक था कि बचपन में जब भी वो मतलब शेड्यूल रहते थे तो उनको सारे जितने काम है ना वो मतलब खेलने की आदत, ज्योमेट्री टाइप में कुछ तो मिट्टी पे ही बनाते थे वो कुछ चीजें ज्योमेट्री वगैरह। हां सर यस यस
तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ चीजें जो भी काम था उसको एलिमेंट्स नाम दिया है ना, ट्रीटीज करके एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को उन्होंने 13 चैप्टर में डिवाइड किया। और जो 13, ध्यान से सुनना है आपने, जो 13 जो चैप्टर्स है ना, उसको अलग अलग चीजों उन्होंने एक यूक्लिड्स यहाँ पे ये किया। तो हाँ, तो उसके एक अलग से 13 चैप्टर्स के लिए उन्होंने एक बुक बनाया, समझ में आ रहा है? और फिर 13 बुक्स क्या, नहीं 13 चैप्टर्स का एक बुक बनाया उन्होंने, जिसमें एलिमेंट्स को उन्होंने 13 चैप्टर में डिवाइड किया, जिसको एक एलिमेंट्स मतलब, एलिमेंट्स मतलब जो भी उनका काम था, नोन वर्क था ज्योमेट्री से रिलेटेड। ओके ओके ओके। तो उन्होंने एक ट्रीटीज करके अपने उन्होंने वर्ड्स में नाम दिया उसको, फिर सर एलिमेंट्स मतलब टॉपिक्स कंसीडर कर सकते हैं मतलब, केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स नहीं। हां सर बराबर। तो उन्होंने उस एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया, ठीक है, और उसमें से अलग अलग ज्योमेट्री मतलब काफी वर्ल्ड फेमस हुआ, लाइक ज्योमेट्री से जो रिलेटेड था। इसमें भी दो तरीके का ज्योमेट्री होता है, ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी दो तरीके का यहाँ पे ज्योमेट्री, लाइक एक यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स होता है और एक एक्सियम्स होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन कैसे यूज होता है। तो जो उन्होंने जो स्टार्ट किया है अपने फर्स्ट बुक्स में, तो कुछ 23 डेफिनेशंस उन्होंने दिया है, ठीक है, जैसे देखने में बहुत ध्यान से सुना, ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, जिस चीज को मैं समझाऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी बुक्स में है। तो 23 definitions from book one उन्होंने दिया है, 23। सर उन्होंने कितने books लिखे थे? Exactly मुझे भी ये नहीं, but बहुत सारे books उन्होंने लिखा था actually। Actually जो मैंने elements बताया उसी को divide करके छोटे छोटे अपनी ये में divide किया गया। सर उनको शायद father of geometry कहते हैं ना? Yes। So 23 definitions from book one। आप लोगों के पास books है क्या अभी? होगा। हाँ सर खोल के रखा है सर। तो अब जैसे है कि आप 23 डेफिनेशन से, अब देखने में ना, मैं दो तीन साल पहले जब मैं पढ़ा रहा था 8th के 9th क्लास के बच्चे थे, तो अब इसका बहुत बच्चे सोचेंगे अरे ये तो हमको भी पता है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, है ना, डेफिनेशन 2 अ लेंथ इज ब्रेथलेस लेंथ, डेफिनेशन 3 एट द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। इसमें सबसे अच्छा जो बच्चों को थोड़ा ये लगता है whole is greater than the part है क्या इसमें, इसमें या सर मुझे नहीं समझ में आ रहा सर कि आप क्या बोल रहे हैं। सर वो तो axiom है ना, axioms right, हाँ axioms में हम बाद में आएंगे करें, हम मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट जो books में है वो मैं बातचीत कर रहा हूँ कि Euclid साहब ने 23 definitions दिया book one से। तो जैसे point के बारे में उनसे definition पूछा गया, उन्होंने point के बारे में बताया कि point ऐसा चीज है जो उसका कोई पार्ट नहीं है, point is that which is no part, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है बहुत सारे आर्ग्यू मतलब करते हैं सर ये तो हमको पता है, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सी ये दे दीने के बाद हमको समझ में आया है, इजी लगता है, बट उस टाइम सोचो उन्होंने कब इन्होंने दिमाग में आया, अगर एक्सियम्स के भी बारे में हम पढ़ेंगे तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो पता है कि एक जो पूरे है वो किसी पर्टिकुलर पोर्शन से ज्यादा मतलब है, जैसे अगर एक बॉडी लिया जाए मेरे हाथ से बड़ा है, राइट, तो इट्स सो सिंपल, लेकिन उन सोचो माइंड का उस मेंटल पावर का जिन्होंने पहली बार ये सोचा हो, राइट, तो ये डेफिनेशन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। तो अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहा तो एटलीस्ट कुछ आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बट आपको कभी भी पॉस्टुलेट्स लिखने के लिए सॉरी डेफिनेशंस लिखने के लिए नहीं आएगा, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया गया। सर एक्चुअली ना आईएमओ में व्हाट आर एक्सियोम्स आता है, व्हाट आर पॉस्टुलेट्स आता है, और वो सब यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये 23 डेफिनेशन जो आपके बुक्स में है जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, इसमें अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं Euclid's, ये definitions को क्या ये postulates कहते हैं? नहीं 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 ये सिर्फ definition है, postulates के बारे में भी हम बताएंगे, postulates are another thing, वो Euclid साहब ने 5 postulates दिए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है, तो उन्होंने ये जिसने आपके बुक्स में जो दिया वो मैं बता रहा हूँ।
इसके बाद आता है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड कॉमन नोशंस, जिसको एक्सियोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर नोशंस मतलब ये एक्सियोम्स क्या? नोशंस मतलब हिंदी में उसको धारणा बोलते हैं, मतलब उसके प्रति क्या आपका ओपिनियन है, राइट? तो आप कॉमन नोशंस मतलब एक्सियोम्स मतलब राइट आप बोल सकते हैं, बट एक्सियोम्स टेक्निकल वर्ड है, उस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं वहां पे, जैसे दो चीजें हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट, इसके बारे में सुनना है, इट्स लाइक अ हिस्ट्री क्लास। सो नो वैसे नहीं सर, चलता है सर, स्टोरीज पसंद है, ये हिस्ट्री नहीं है, यही जिसमें मैं चेक करना चाहता था कि आपको का रिस्पांस क्या है, तुरंत नो करना चाहता था, ये हिस्ट्री क्लास नहीं, मैथमेटिक्स की क्लास है, पर सुनना चाहिए, ये किसी मैथमेटिशियन के बारे में बातचीत की जा रही है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स, राइट? तो यहाँ पे पोस्टुलेट क्या होता है, बता रहा हूँ सारी चीज बता रहा हूँ। तो कुछ चीजें हैं, जैसे यूक्लिड साहब तो उन्होंने कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया, ठीक है, डेफिनेशन से कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने ऑब्जर्व किया, और कुछ प्रॉपर्टी को उनको लगा कि प्रूफ करना की जरूरत नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई नहीं बोल सकता कि द सन राइजेज इन द वेस्ट समटाइम्स, द सन राइजेज इन द नॉर्थ वेस्ट समटाइम्स, राइट? तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, राइट, सर्वरी करेक्ट। तो ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने उसको दो टाइप में डिवाइड किया, एक जो है पोस्टुलेट्स के फॉर्म में डिवाइड किया और एक एक्सियम्स के फॉर्म में डिवाइड किया। तो पोस्टुलेट्स यूक्लिड साहब ने उन चीजों को बताया जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? पोस्टुलेट्स मतलब क्या, स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द ज्योमेट्री, और एक्सियम्स कोई जरूरी नहीं है सिर्फ ज्योमेट्री। सर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ज्योमेट्री मतलब क्या सर, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ज्योमेट्री? हाँ मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पोस्टुलेट्स मतलब वो ज्योमेट्री में यूज किया जाएगा, ऐसे समझिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, और एक्सियम्स किधर भी यूज कर सकते हैं, एक्सियम्स मतलब वो कहीं भी, सिर्फ मैथमेटिक्स का ही खेल नहीं है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक्सियम्स का मतलब क्या हुआ कि ये ज्योमेट्री से लिंक्ड नहीं रहे, समझ में आ रहा है? एक पोस्टुलेट का क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं? देने वाला हूँ भाई, देने वाला हूँ, जैसे अभी बताऊंगा कि क्या क्या पोस्टुलेट्स है। तो सिंपल चीज अभी ध्यान में ये रखना है कि यूक्लिड सर ने दो चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया, दो टाइप्स डिवाइड किए थे, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। सो पोस्टुलेट जो होता है दो आर रिलेटेड विद द ज्योमेट्री, और एक्सियम्स जो होता है कॉमन नोशंस होता है, कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब वो हर जगह वैलिड है एक्चुअली। ठीक है, अब जैसे यूक्लिड्स एक्सियम एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके बुक्स में 7 पॉइंट्स है, मैं सातों पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा, बट एक दो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सियम्स क्या है। ठीक है, तो एक्सियम्स का एक एग्जांपल है कि द मेन जो फेमस है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब आप बताइए, ये जो मान लो पीसीएमसी एरिया है, तो एक महाराष्ट्र का पार्ट है ना, एक पीसीएमसी एरिया है, कोथरू ले लो, yes, sir. तो होल क्या है, महाराष्ट्र है, और पार्ट क्या है, पीसीएमसी एरिया है या कोथरू है, राइट? तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सही है ना, महाराष्ट्र इज लार्जर देन द पीसीएमसी और कोथरू, इज देयर एनी डाउट इन इट? नहीं सर, ये तो ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, राइट? तो एक्सियम्स एक हो गया, तो उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। अब सुनने में बड़ा इजी सा लगता है, चॉकलेट जैसा लगता है, अरे ये तो सबको पता है, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया, बट माय डियर स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी इट्स नॉट इजी, जितना हम लोग सोचते हैं ना उतना, क्योंकि हमको ऑलरेडी रिजल्ट यू नो स्पून फीडिंग किया जा रहा है, तो हमको ऑलरेडी ये चीज मिला है, पर हम समझ रहे हैं, तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन सोचो जो पहली बार इस चीजों को ऑब्जर्व किया होगा कितना टाइम लगा होगा। तो एक्सियम्स का मतलब हो गया था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट कहीं भी। दूसरा एग्जांपल और एक मैं दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है सर मुझे, अरे इसमें क्या नहीं आ रहा है समझ, ये बताओ,
सबसे पहले तो सर पॉस्टुलेट का मतलब नहीं समझ में आया सर। पॉस्टुलेट का मतलब मैंने समझाया नहीं है, बस सिंपल मैंने बोला कि दो चीजों यूक्लिड साहब ने दो ये में डिवाइड किया एक ही साथ दोनों को नहीं बताया जा सकता है ना, पहले एक को तो समझिए। एक्सियोम्स मतलब क्या हो गया, सिंपल मैंने बताया कि एक्सियोम्स इज नॉट लिंक्ड टू द ज्योमेट्री, सिंपल कॉमन ओपिनियंस है एक्सियोम्स जो यूक्लिड साहब का थॉट्स था, ऐसे समझिए। जैसे एग्जांपल दिया कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, अरे किधर भी यूज हो सकता है ये, कहीं भी। हाँ सर, ये मतलब स्पेसिफिक ज्योमेट्री को, जैसे उन्होंने टोटल 7 एक्सियोम्स दिया, 7 एक्सियोम्स में एक एक्सियोम्स आता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सिंपल सी बात है कि पूरा दुनिया का इतना वर्मान और इंडिया का कुछ तो पॉपुलेशन है, अरे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ले लिया जाए तो महाराष्ट्र जो हो गया वो एक पार्ट हो गया, होल क्या हो गया, पूरा एक वर्ल्ड हो गया, राइट। तो क्या ये सही नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द महाराष्ट्र पॉपुलेशन, सर ऑब्वियस है। तो ये हो गया द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, सिंपल। या सिंपल एक गया बीच पे हो, एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें से क्या समुद्र का पानी एक ग्लास पानी से ज्यादा नहीं है, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो अगर किसी का मान लो ये पेन है, ठीक है, हम इस पेन को मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मैंने तोड़ दिया, एक इसका पार्ट ले लिया, लेकिन टोटल अगर कंपेयर किया जाए, मान लो अभी वैसे कि सब जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो लीड है हमने निकाल दिया, लेकिन जो पेन था वो तो हमेशा ग्रेटर रहेगा ना। और एक एग्जांपल देता हूँ सर, वो कौन सा पेन था, ये ट्राइमेक्स है, ट्राइमेक्स। सो अरे सर वो आप बहुत महंगे वाले पेन यूज करते हो, अरे ऐसा कुछ तो ट्राइमेक्स महंगा नहीं होता है, महंगा होता है सर यहाँ पे तो सर, पर मेरे पास तो 4-5 ट्राइमेक्स गोल्ड पड़े हैं। आपके तो भाई आप बड़े आदमी हो, चलो नहीं सर यहाँ नहीं सर 5-10 रुपए का मिलता है ट्राइमेक्स। हाँ सर वो बहुत चीप हो जाए, पता नहीं जाए, मैं तो मेरा तो 50 रुपीस, लेकिन मैं तो ये यूज करता हूँ यूनिबॉल एयर माइक्रो। ओके फाइन, एक्सियोम्स जो है समझ में आ रहा है। दूसरा और एक एग्जांपल आ रहा है मैं दे रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स कि थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम, अब देखो things, सर मैं तो यूज एंड थ्रो वाला यूज करता हूँ हमेशा, यू शुड ऑलवेज यूज वन पे ताकि वो ना ये हो जाए एनवायरमेंट का नहीं, वो तो है ही, बट मतलब किसी भी इश्यूज में एक कोशिश करनी चाहिए पेन यूज करें ताकि उसे आदत बन जाए और हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसे, मेरे टीचर से सर बोला करते थे। जैसे सर मैं भी सर मैक्स्ट्रॉन यूज करता हूं सर, एक साल से सर है मेरे पास। थिंग्स का मतलब यूनिबॉल एयर माइक्रो, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द, जो जिससे लिखता है वो बेस्ट, things which are double of the same things are equal to 1 mm. things sir agar ek chapati ka tukda hai uske double aur ek chapati hai to fir aur ek chapati bhi uske equal ho jayegi double wali. ab dekho ye kitna the things which are double of the same things are equal to one another, iska matlab kya hai ki koi object hai na uska koi double hai, इसका मतलब क्या है, एक दूसरा जो है आपस में क्या है बराबर है। ये समझ में आया क्या, कितने लोग आए, आप एक्सप्लेन इसको करना चाहेंगे सर मैं, ठीक है बोलो तो फिर मैं करेक्ट करता हूँ कुछ गलती होती है तो। सर अगर हमारे पास ना एक क्वांटिटी एक्स है और दूसरी भी क्वांटिटी है जो भी x ही है ना, बिकॉज दे आर सेम, तो फिर x का डबल 2x होगा और वो दूसरा x है उसका भी डबल 2x ही होगा, तो 2x 2x इक्वल है, तो सिंपल ये मीनिंग हो गया, समझ में आया। ओ अच्छा सर, LHS सर हर चीज के अंदर सेम ही मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ गया सर। ये तो इतने इजी है सर, यूक्लिड साहब इतने बड़े कैसे,
सर उस टाइम पे सर बहुत ही चेपर जैसे सर राइट राइट इजी सबको लगता है जब कुछ मिल जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा रेफरेंस पॉइंट है सर उनके पास में नहीं था तब थिंग्स व्हिच आर और एक देता हूं थिंग्स व्हिच आर हाफ्स थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सर पर ये तो ऑब्वियस है ना वही बात है लेकिन ऑब्वियस कब लगता है लेकिन हमने कहा दिया हमने दिया मतलब ऐसा कुछ पॉइंट्स हमने कभी सोचा नहीं सर सर क्या हाफ और फिर ये नहीं सर कुछ भी सर अगर एल एच एस और आर एच एस के अंदर डिवाइड किया ना तो ये सेम ही होगा डिवाइड मल्टीप्लाई हम इसमें एट में सीखे थे इसलिए आप लोग मजे कर लो ठीक है उन्होंने फर्स्ट जो एग्जाम दिया था थिंग्स व्हिच इक्वल टू द सेम थिंग्स आल्सो इक्वल वन तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना क्या ये क्या है इसमें कौन सा तीर नहीं समझने के अगर डीपली सोचोगे तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने दिया तो दिस वर्ड जो कि एक्जियम से जो कि कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी रिलेट कर सकते हैं ठीक है आर्यन समझ में आया अभी हाँ सर पर इसके ऊपर क्या सर क्वेश्चंस पूछते हैं क्या क्वेश्चंस पता रहना चाहिए पोस्टुलेट्स एंड एक्जियम्स क्वेश्चंस इस पे देखो मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर इसके अंदर सर क्वेश्चन क्या पूछता है सर इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे हाँ सिंपल ओके तो मतलब कि सर ये याद करना पड़ेगा अगर याद रहा तो अच्छी बात है मतलब जनरली आईडेंटिटी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं बट आपको एक बार पढ़ लेना ठीक है अब पोस्टुलेट्स पे आते हैं ठीक है आज तो हमने शायद सेव ही नहीं किया पीडीएफ ऐसा लग रहा है सर मेरे पास सारे नोट्स हैं मुझे भेज देना फिर नहीं तो आप डाल सकते हैं ग्रुप पे अगर चाहिए सर क्या है नोट्स नोट आज का मैंने पीडीएफ सेव नहीं कर पाया शायद नहीं तो ठीक है तो पोस्टुलेट्स मतलब यूक्लिड साहब ने पोस्टुलेट्स पांच पोस्टुलेट्स दिया ठीक है तो पोस्टुलेट्स मतलब क्या जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है अब जैसे एक पोस्टुलेट्स उन्होंने पांच पोस्टुलेट्स दिया एक जो पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंगल ये जब मन नहीं करे ना कुछ पढ़ने का तो आराम से एक एक लाइन पढ़ डालो ऐसे रहता है ऑब्वियस है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर ठीक है करेक्ट है सारे राइट एंगल जो है इक्वल होते हैं एक दूसरे के अभी ये पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है अब राइट एंगल आ गया तो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया हाँ सर और एक पॉसिबिलिटी यूक्लिड सर ने दिया ये बुक्स में पॉसिबिलिटी नंबर आई थिंक 4 है ये मैं जो ताकि कनेक्ट कर टाइम सर इसको सर कितना ग्रेट माना सर अभी सर एक सबको पता सर हाँ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस सही है यस सर सर्कल सर ऐसा नहीं है कि फ्रेम चेंज किया तो फिर सर्कल नहीं बन सकता किसी भी फ्रेम में सर्कल बन सकता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस ठीक है ऐसे और भी हैं लाइक पोस्टुलेट्स पॉइंट सर पॉइंट ही तो खुद एक सर्कल है एक्सेप्ट दैट बहुत ही कम उसका रेडियस जीरो है रेडियस वहां पे आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे ना 11th में कोऑर्डिनेट कोनिक सेक्शन वहां पे चैप्टर्स होता है तो वहां पे सर्कल एक्चुअली किसको हम लोग बोलते हैं वहां पे रेडियस का कंडीशन दिया जाता है
जनरल सर्कल का जहाँ पे जीरो हाइपरबोला पैराबोला वो सब टर्म्स आते हैं ना। हाँ वो तो नहीं, वो एक अलग कोनिक सेक्शन के वो पार्ट है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। हाँ सर उसको ना वे अलग अलग साइड में कट करने पे आता है कोन से, उसी लिए उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। हाँ सर ठीक है। अब जैसे पोस्टुलेट्स टू यूक्लिड सर ने क्या दिया कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब जो एक लाइन है टर्मिनेटेड लाइन, जैसे वो भी मैं लिख देता हूँ, ये पोस्टुलेट्स टू दिया, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेटली, इनडेफिनेटली ठीक है। एक जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम बहुत आगे तक हम कहीं भी उसको खींच सकते हैं प्रोड्यूस, जैसे एक मान लो ये लाइन फिक्स है ठीक है, तो हम इसको आगे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसे उन्होंने बताया ठीक है। पोस्टुलेट नंबर वन उन्होंने दिया कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से भी ड्रॉ किया जा सकता है। सर हमारे क्लास एकदम कल का आईपीएल मैच जैसे हो गई, से धड़ाधड़ विकेट गिर गए। कोई बात नहीं, आप रहो, हर्षल पटेल जिंदाबाद, पढ़ाई कीजिए आप लोग बस, वो तो हर दिन की बात है ना, आज थोड़ी है ऐसा, तो 7 बजे विकेट गिरने चालू हो जाए। सर वो मेरी परसों तो लास्ट एग्जाम सर इंग्लिश फुल एमसीक्यू। सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से टीम्स होते हैं। हाँ बोल ना बोल, यस बोल, एमसीक्यू मींस यू हैव ओनली एमसीक्यू एग्जाम। हाँ सिर्फ एमसीक्यू, एक भी ऑब्जेक्टिवली पेपर पे लिखना ही नहीं। कोई बात नहीं, गूगल फॉर्म आते हैं। आप लोग का आईपीएल, आप लोग आईपीएल नहीं होता, आप लोग आईएमओ होता है, तो ध्यान रखिए ठीक है सर। लेकिन हमारा दिल सर वो 1.5 महीने के लिए सिर्फ आईपीएल में होता है, वो नहीं होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है। आईएमओ है जो सीरियस है वो करेगा, वो कर लो लेकिन थोड़ा लिमिटेड टाइम देख लिया, पूरे दिन भर वही करोगे और दिन भर नहीं सर, वो मैच सिर्फ मैच देखते सर, वो मैच 7:30 to 11:30 होती है मैच। हाँ 4 घंटा 4 hours सर, 4 hours सर कम है सर। अरे बाबा रे। और सर लेकिन सर लाइक कल को कितना मजा है सर, मेरी फेवरेट टीम आरसीबी ने मुंबई। ओके 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 फाइन 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 फाइन, तो ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ठीक है। ये लास्ट वाला नहीं सुन रहा सर, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो लाइन सेगमेंट को उन्होंने टर्मिनेटेड लाइन बोला, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। हाँ मतलब जैसे लाइन बना कहने का मतलब क्या है कि दोनों साइड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी एक साइड से, ऐसा उनका बोलना है। लाइन सेगमेंट को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ नहीं यू कैन लिव, कोई दिक्कत नहीं। वो किस सेंस में उन्होंने बोला है, ऐसा नहीं कि कोई 5 उसको बढ़ा सकते हो, ही वांट्स टू से ऑफ कोर्स, वो पता है कि लाइन सर वो लाइन होना चाहिए सर। यहाँ पे सुनो तो वो लाइन यहाँ पे एक मिनट, जो लाइन है यहाँ पे लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको आप तो दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स वन में उन्होंने फिर क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट एक मिनट यहाँ पे क्या हुआ सर, नहीं सर आपने सर बोला सर टर्मिनेटेड लाइन, जो लाइन सेगमेंट है सर, लाइन सेगमेंट को सर कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं indefinitely, नहीं वो नहीं कर सकते, बट इनका जो postulates है इस नहीं सर, terminated line मतलब हमने रुका ही है temporarily। हाँ वही कर, जहाँ तक दिखाई है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, terminated line मतलब आज कल उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं सिंपल, राइट। तो यहाँ लाइन सेगमेंट सर कैसे indefinitely, रुको ना भाई रुको ना, वो postulates है, हो सकता है ना, वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको geometry में 5 cm का line है आप उसको
ये कर दो मतलब आप एक्सटेंड कर दो उसको उस, यहाँ पे हो सकते हैं कि दूसरी सेंस में उन्होंने बोला राइट यहाँ पोस्टुलेट्स वन में भी उन्होंने दिया है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट फॉर गिवन एनी टू पॉइंट सच एट एंड बी देयर इज अ यूनिक लाइन एट व्हिच एंड पॉइंट्स आर एंड बी ओके अब टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड टर्मिनेटेड लाइन है यहाँ पे एक्चुअली टर्मिनेट मतलब तो फिनिश हो गया वैसे हाँ तो इस सेंस में ये है देखो अरे जो तुम बोल रहे हो वो सही है लेकिन इनका जो इन्होंने दिया वो गलत नहीं है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुमको कोई लाइन ड्रॉ करना है सिंपल तो आप कुछ चीजें होते हैं आगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे इस चीजों को हम एक्सटेंड कर सकते हैं वो ये नहीं बोल रहे कि दोनों सेम होगा समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे ये टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या कि थोड़ी देर के लिए मान लो हमने एक्सटेंड किया ऐसे मतलब मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है इसके बाद भी अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है इस लाइन तो हम कुछ एंड एक्सटेंड कर सकते हैं दिस इज व्हाट यूक्लिड्स सर वांटेड टू से राइट बट यहाँ पे वो गलत नहीं है वो बिल्कुल आपका सही है कि लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को नहीं कर सकते हैं बट यहाँ पे जिस सेंस में उन्होंने दिया दैट इज अ डिफरेंट थिंग समझ में आया क्या जस्ट लेट मी वेरीफाई वंस अगेन बट समझ में आ गया सर ठीक है तो मुझे यही है वो गलत नहीं है बिल्कुल सही है ठीक है सर वो थोड़ा सा ये लगता हो अरे वो कैसे पॉसिबल है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सर हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बट वो गलत नहीं है ना जस्ट लेट मी माफ कर आके बोला सर हाँ वो बिल्कुल सही है किसी भी जब मैंने भी पढ़ा था ना अरे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दिमाग में क्वेश्चन आपको वो आना चाहिए कैसे कैसे हो सकता है बट राइट सो हाँ दोनों करेक्ट है तो ये गलत नहीं है जैसा मैंने बताया पोस्टुलेट वन था कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट लेकिन जो पोस्टुलेट टू है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मतलब कहीं तक भी हम लोग उसको ये कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं बट फिर से समझने की कोशिश करो जिस सेंस में आप सोच रहे हो उस सेंस में उन्होंने नहीं दिया है इस सेंस में दिया है कि अगर हम कहीं जरूरत पड़े वैसा तो दे कैन बी प्रोड्यूस दैट्स ऑल They do not mean to say कि अभी जो measurement है बाद की जो measurement है वही रहेगी. They are, he has just told कि they can be produced. That's all. मन में आ गया सर. Straightforward statement को उल्टा घुमा फिरा के बोला. हाँ, right. तो उन्होंने उस समय दिया था ना और एक reason है कि जो definition और postulate सुनकर दिया हुआ तो हम change नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है ना as it is लिखा होता है. तो even उन्होंने दिया है तो terminated line ऐसे लगता है गलत है but that is not wrong. उस समय दिया था जब नया चीज उनके दिमाग में आया तो इट इज हिज वर्ड्स राइट तो ठीक है क्लियर है क्या यस सर यस सर ओके सो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच और इस पे होमवर्क कुछ रहेगा कुछ एक दो चीजें और रहेगा जो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर बताऊंगा ठीक है आज हम यहीं पे रुकते हैं होमवर्क आपको ग्रुप पे डाल दिया जाएगा इस पे एमसीक्यू बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया जाएगा यस सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय टू एवरीवन यस या या